नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है हमारे खास शो पांच की आंच का। आज बात सरकारी अस्पतालों की, जहां करोड़ों रुपए सुविधाओं पर खर्च होते हैं लेकिन हालात बदलते रहते, जस के तस रहते हैं। कहीं डॉक्टर्स नहीं है, कहीं साफ सफाई नहीं है, हर तरफ एक ही तस्वीर है, मरीज परेशान घूम रहा है। जिला अस्पताल में जिले भर के लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, एक उम्मीद होती है बेहतर इलाज और सुविधा की, लेकिन जब मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो ना इलाज होता है ना ही बेहतर सुविधा मिलती है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। टीकमगढ़ का जिला अस्पताल, जहां मरीजों की संख्या में तो इजाफा है लेकिन डॉक्टर ही नहीं है। कुछ ऐसे ही हाल मुरैना और भिंड में भी देखने को मिले हैं। जिला अस्पताल का हाल बेहाल, यहाँ पर गंदे पड़े हुए हैं, सरकारी अस्पताल खस्ता है हाल, कूलर वूलर की व्यवस्था नहीं है इसमें, किसी गर्मी ज्यादा लगती है इसमें, वो आप देख ही रहे हैं तो गंदगी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पर। मरीज और एक डॉक्टर। भिंड अस्पताल में लगभग कितने पेशेंट अभी भर्ती होंगे? अप्रोक्स 500 के आसपास। जिला अस्पताल है जहां पे लगभग 500 मरीज पूरे अस्पताल में भर्ती रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान सिर्फ एक ही डॉक्टर की ड्यूटी रहती है। प्रचंड गर्मी का कहर, सिर्फ एक कूलर। गर्मी काफ़ी है और सिर्फ एक कूलर ही यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी इसी तरह की गंदगी है और बेडशीट के भी इंतजाम नहीं है। 12 बजे का वक्त है, यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो सो रहे हैं। सुविधाओं की कमी मरीजों पर भारी। सरकारी अस्पताल दावे हजार, व्यवस्था बेहाल। तो अस्पतालों के हालात जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने किया रियलिटी चेक। इस दौरान अस्पतालों की हालत जो देखने को मिली, वो जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सुविधाओं के नाम पर अस्पताल में सिर्फ इमारत थी और कुछ नहीं। मरीज तो थे लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर नहीं। वॉशरूम है लेकिन वॉशरूम के अंदर पानी नहीं। बेड है लेकिन बेड पर चादर नहीं। गर्मी का प्रचंड प्रहार है और मरीज पंखे के भरोसे गर्मी से लड़ रहे हैं। प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। सरकारी अस्पतालों में भी गर्मी से मरीजों का हाल बेहाल है। एक तरफ गर्मी से परेशानी, दूसरी तरफ अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी से मरीज और परिजन परेशान हैं। दावे तो हजार किए जाते हैं लेकिन जमीन पर उन दावों की पोल खुल जाती है। न्यूज 18 ने टीकमगढ़ में जिला अस्पताल का रियलिटी चेक कर सुविधाओं का हाल जाना। अस्पताल में लगभग कितने पेशेंट अभी भर्ती होंगे? अप्रोक्स 500 के आसपास। जिला अस्पताल है जहां पे लगभग 500 मरीज पूरे अस्पताल में भर्ती रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान सिर्फ एक ही डॉक्टर की ड्यूटी रहती है। जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है तो ऑन कॉल डॉक्टर्स को बुला लेते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के भरोसे ही पूरा जिला अस्पताल चल रहा है। 500 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और उनके लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। अब आपको जिला अस्पताल के मेल मेडिकल वार्ड में व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक दिखाते हैं। अस्पताल के जो मेल सर्जिकल वार्ड है उसके दूसरे मंजिल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, या मेल सर्जिकल वार्ड है, यहाँ पे भी यही उसी तरह की कमियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पे
देखिए गर्मी काफ़ी है और सिर्फ एक कूलर ही यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी इसी तरह की गंदगी है और बेडशीट के भी इंतजाम नहीं है। जिला अस्पताल के बच्चे के वार्ड का हाल भी देख लीजिए, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वार्ड में एसी तो है लेकिन किसी काम का नहीं, बेड पर बेडशीट नहीं है, वॉशरूम है लेकिन पानी नहीं। देख रहे हैं कि ये बच्चा वार्ड है, यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भर्ती रहते हैं, और इस बच्चा वार्ड में आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं, जो जिस बेड को बच्चे को लेटना चाहिए उस बेड पर बड़े लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं, और कुछ बच्चे जमीन पर आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे लेटे हुए हैं, और यहाँ पे जो साफ़ सफाई का हमें नहीं लगता कि कोई माकूल इंतजाम होगा, और बेड सीट भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस किसी भी पलंग पे आपको बेड सीट नज़र नहीं आएगी, और इसमें रूम में काफ़ी गर्मी है, और एसी जो एसी यहाँ पे लगे हुए हैं वो ख़राब हैं, बंद पड़े हैं, सिर्फ पंखे और एक कूलर यहाँ पे चल रहा है। कुल मिलाकर जिला अस्पताल सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। जिले भर से मरीज इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को परेशानी किस कदर होती है ये आपने खुद ही देख लिया। न्यूज 18 के लिए टीकमगढ़ से राजीव रावत की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं भिंड और मुरैना में अस्पतालों में सुविधाओं की। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर भिंड के गोहद सामुदायिक अस्पताल की आप देखेंगे, जहां गर्मी के चलते मरीज परेशान हैं। अस्पताल में साफ सफाई तक की व्यवस्था नहीं है। मरीज के परिवार वाले अस्पताल में जमीन पर सोते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उधर मुरैना के जिला अस्पताल में मरीजों के बिस्तर पर बेडशीट तक नहीं है, आप देख सकते हैं। हालात यह है कि इस गर्मी के मौसम में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए एक बेड पर दो दो मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर जिला अस्पताल में ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही सुविधाएं पर्याप्त हैं। अस्पताल में गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए भी कोई इंतजाम नजर नहीं आया। अस्पताल में सुविधाओं को लेकर जिम्मेदार जो हैं उनका क्या कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। कितना स्टाफ है इस अस्पताल के लिए? ऐसे 17 है टोटल, पूरा मिला के मेल और मेल फीमेल और बाकी 11 डॉक्टर, उनमें से 3 डेंटल है, एक मैडम छुट्टी पर है शिखा सिंह, बाकी के सभी डॉक्टर हैं। अभी 25 से के आसपास लगभग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और 30 से 35 के अभी मेडिकल ऑफिसर पदस्थ हैं अभी, और जो नर्सिंग स्टाफ जो हमारे पास है 270 के आसपास नर्सिंग स्टाफ पदस्थ है, और वार्ड बॉय की संख्या हमारे पास कम है थोड़ी सी, तो 20 से 22 के आसपास वार्ड बॉय हमारे पास हैं कार्यरत अभी। रात के टाइम पे हमारे टोटल 35 से 40 अधिकारी और नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी पर रहते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जिन्होंने ये रियलिटी चेक किया है। टीकमगढ़ से राजीव रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भिंड से रवि रमन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, और साथ ही मुरैना से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले टीकमगढ़ का रुख कर लेते हैं। राजीव, हमने देखा कि टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में मरीज तो भरमार है लेकिन सुविधाओं का हाल बेहाल है। बिल्कुल अपर्णा जी, टीकमगढ़ में जो डॉक्टर्स हैं उनकी भारी कमी है, और रात में सिर्फ एक ही डॉक्टर के भरोसे 500 पेशेंट लगभग रहते हैं, और ओपीडी में रात में इमरजेंसी में भी लगभग 100 से 150 पेशेंट आते हैं, तो ऐसे में इन पेशेंटों को संभालना एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही रात में एक सिर्फ इमरजेंसी डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, बाकी डॉक्टर्स जब कोई इमरजेंसी क्रिटिकल केस आता है तो उन्हें ऑन कॉल बुलाया जाता है, लेकिन जब तक ऑन कॉल आते हैं तब तक मरीज की हालत क्या होती होगी यह साफ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक पेशेंट के भरोसे रात में जो तमाम पेशेंट रहते हैं एक डॉक्टर के भरोसे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी ज्यादा दिक्कत होती होगी और मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो जो जिला अस्पताल है वहां पे भारी कमी है। सबसे ज्यादा सभी वार्डों में देखा गया कि रात में जब हमने रियलिटी चेक किया तो सबसे बड़ी चीज यह थी कि वहां पे किसी भी मरीज को बेड सीट तक नहीं दी जाती है, और यहाँ तक कि बच्चे हैं जो रेगजीन के गद्दों पर लेटे हुए हैं वहां पर तीसरी मंजिल पर
या बच्चा वार्ड बना हुआ है, वहाँ पे एसी खराब है और पानी तक की व्यवस्था टॉयलेट में नहीं है। डब्बा लगा दिया गया है, तमाम मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है ये सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं है। भिंड चलते हैं, रवि रमन त्रिपाठी, भिंड में भी हमने देखा अस्पताल में गंदगी का ये आलम है कि जो वहां पर इलाज के लिए आएगा वो तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। अपर्णा, मैं आपको बताऊं कि मैंने भिंड जिले के उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया, रियलिटी चेक किया, जो इस समय पूरे प्रदेश की सुर्खियां बना हुआ है। लगातार सरकार इस पर सफाई दे रही है और विपक्ष लगातार इस पर कड़े प्रहार कर रहा है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हो, या पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो इसी जिले से आते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह हो, और स्वयं जिस विधानसभा क्षेत्र में ये अस्पताल आता है, गोहत विधानसभा क्षेत्र में, उसके जो तात्कालिक अभी जो वर्तमान के जो विधायक हैं केशव देसाई, उनके भाई की जब से मौत हुई है तब से यह अस्पताल पूरे प्रदेश की सुर्खियों में है। लगातार सूत्रों ने बताया हमारे, और उससे पहले जो हमने जायजा लिया, रियलिटी चेक किया, उसमें हमने रात 12 बजे न्यूज 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर उसकी पड़ताल की तो देखा कि मरीजों को फिलहाल दो दिन से जब जायजा लेना शुरू हुआ है उसके बाद से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों के जो बिस्तर हैं उन पर चद्दर नहीं पाए जा रहे हैं, गंदगी पहले से ही व्यवस्थाएं इतनी बेपटरी हैं कि उन्हें पटरी पर लाने में तो वक्त लगेगा। और अभी तो फिलहाल ये जागा है प्रशासन, आगे जागे रहता है नहीं ये भी देखना होगा। अमित शर्मा, मुरैना का हाल बताएं, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा जो तीमारदार है जमीन पर सोने के लिए मजबूर है, इस रियलिटी चेक के बाद क्या किसी की नींद टूटी है नहीं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि देर रात को लगभग 12 से 1 बजे के समय हमने रियलिटी चेक की और जिला अस्पताल के हाल जाने थे, क्योंकि जिला अब बहुत बड़ा है, मुरैना लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में है, और यही वजह है कि दूर दूर से लोग आते हैं जिला अस्पताल में उपचार कराने के लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि जिला अस्पताल में उपचार मिलेगा, लेकिन यहाँ उपचार तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि 600 बेड का अस्पताल है और 700 से अधिक मरीज, यानी कि 750 से अधिक मरीज अभी भर्ती हैं, और डॉक्टरों का कहना है कि प्रतिदिन 250 से 300 मरीज रोजाना आ रहे हैं और कुछ मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो उनका साफ कहना है, जो मरीज के जो परिजन है उन्होंने साफ कर दिया है यह बात तो, कि जिला अस्पताल में किस तरीके की उन्हें सुविधा मिल रही है, और जो रियलिटी चेक किया था उसमें भी साफ हो गया है कि ना ही तो जो बेड होते हैं उन पर बेड सीट है, और जो डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स अधिकांश देखी गई थी वो नींद में पाई गई थी। तो एक बात तो साफ होती है कि कितने डॉक्टर जो स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट है और कितना है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो जो भी वहां पर मौजूद हो वो भी ओवरवर्कड हो, ये वजह है कि वो शायद सो भी रहे हो इसीलिए वहां पर। लेकिन बड़ी बात तो यह कि व्यवस्था ऐसी है कि व्यवस्था के चलते हर कोई पिस रहा है यहां पर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस रियलिटी चेक के लिए। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट सामने आने के बाद जागे का प्रशासन और जो